कुछ दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म एमएस धोनी की बायोपिक में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कई बातें पहली बार सामने आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में कई ऐसे सीन्स भी हैं जिसमें जो दिखाया गया है वो सच्चाई से बिल्कुल दूर है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सीन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्म में दिखाया है कि धोनी से एक मीटिंग के बाद साक्षी को मीडिया घेर लेती है और धोनी से रिलेशनशिप पर सवाल पूछती है। लेकिन रियल लाइफ में धोनी से शादी से पहले साक्षी कभी लाइमलाइट में आई ही नहीं। 2008 में धोनी उनसे मिलने औरंगाबाद जाते हैं और साक्षी मुंबई आती है, लेकिन ये मीटिंग्स काफी प्राइवेट रही थी और मीडिया को भनक तक नहीं लगी थी। फिल्म में दिखाया है कि धोनी का कोई भाई नहीं है, उनकी एक बड़ी बहन जयंती है। लेकिन रियल लाइफ में बहन के साथ ही धोनी के एक बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी भी हैं। फिल्म में दिखाया है कि धोनी खुद ही कोलकाता में साक्षी से मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में धोनी और साक्षी की पहली मुलाकात धोनी के मैनेजर रहे युधाजीत दत्त ने कराई थी, जो साक्षी के भी फ्रेंड थे। इन्हीं से धोनी ने साक्षी का नंबर लिया था। फिल्म में दिखाया गया है कि धोनी गार्नियर और लावा जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, वो भी 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन रियल लाइफ में धोनी अप्रैल 2016 में लावा से जुड़े हैं, जबकि कंपनी ही 2009 में बनी है। वहीं धोनी ने अब तक गार्नियर का कोई ऐड नहीं किया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।